शांति अभी अभी हम सब ने गीत सुना तो हम सब का मन कहता है कि हम सभी बाबा के समान बन जाए सबकी यही दिल में शुभ आशा है व संकल्प है तो बाबा समान बनने के बिना न फरिश्ता बन सकते हैं न देवता बन सकते इसलिए संगम पर हमको बाबा समान तो बन नहीं तो बाबा समान बनने के लिए जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा लास्ट में हम सब बच्चों के प्रति तीन शब्द उच्चारे थे मैं समझती हूँ सभी को याद होंगे वो तीन शब्द अठारह जनवरी के शाम के मुरली का अगर वो तीन शब्द हम अपने जीवन में ध्यान रखें तो मैं समझती हूँ इन तीन शब्दों में बाप समान बनना बहुत सहज है तो बाबा के लास्ट मुरली के यही शब्द थे निरअहकारी निर्विकारी और तीसरा था निराकारी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी तो हम कहते हैं बाप समान बने तो शिव बाबा भी है ब्रह्मा बाबा भी है तो निराकारी जो बाबा ने शब्द बोला तो हम सोचते हैं कि शिव बाबा तो है ही निराकार और हम तो साकार में हैं तो निराकारी स्टेज जो बाबा हमको कहता है निराकारी बनो वो हम कैसे बन सकते एक बारी बाबा ने मुरली में बहुत अच्छा सहज साधन सुनाया था अगर आपको निराकारी स्टेज तक पहुंचना है लगन है हमको बाबा ने जो कहा है वो बनना ही है तो साकार तन में होते हुए हम निराकारी स्टेज पर कैसे पहुंचे उसके लिए बाबा ने कहा था कि हमेश अपने को ऐसे समझो जैसे सवेरे अमृत वेले हम उठते हैं तो बाबा से रूह रिहान करते हैं ये तो सभी का नियम है और करते ही है लेकिन अमृत वेले से बाबा ने कहा तुम भी अपने को अवतार समझो अवतरित तो हुई हूं मैं क्योंकि हमारा ब्राह्मण जन्म है अभी लौकिक जन्म तो हमारा समाप्त हो गया अभी हमारा जन्म ब्राह्मण जन्म है तो ब्राह्मण जन्म माना ही नया जन्म है हमारा लास्ट का ये जन्म है तो उसमें बाबा ने यही अटेंशन खिंचवाया तुम भी अपने को अवतार समझो जैसे मैं ऊपर परम धाम से आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूं कार्य करने के लिए तो अवतार समझने से क्या होता है कहाँ से आई हूं अवतार हूं माना कहाँ से तो हुई हूं तो अपना परम धाम निराकार धाम याद आएगा और निराकार धाम से मैं निराकार आत्मा इस साकार शरीर में प्रवेश हुई हूँ तो अपना निराकार धाम और निराकारी स्टेज निराकार क्योंकि आत्मा तो निराकार है हम परमात्मा बले नहीं है लेकिन आत्मा भी तो निराकार है ना तो जब हम अपने को अवतार समझते हैं तो मैं आत्मा कहाँ से आई हूं और क्यों आई हूं अवतार जो भी आए हैं वो किस लिए आते हैं कोई न कोई विशेष कार्य करने के लिए ही अवतार आते हैं जो भी अवतार आए हैं वो अपने को पैगंबर कहते हैं मैसेन्जर कहते हैं तो मैं भी परम धाम से आत्मा उतरी हूँ इस साकार ब्रह्मा ब्राह्मण तन में क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे हम अपने को कोई भी एड्रेस लिखता है तो यही लिखते हैं बी के फलाना बी के फलानी तो बी के फलानी लिखते हैं माना ही कि हमारा अलौकिक जन्म जो है वो ब्रह्मा बाबा द्वारा हुआ इसीलिए बी के फलाना लिखते हैं तो अगर हम अपने को निराकार आत्मा अवतृत तो हुई है कार्य कौन सा करने के लिए तो बाबा ने हमको सबको हम, सब हम ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन सुनाया है हमारा ऑक्यूपेशन सभी का एक ही है दूसरा दूसरा तो नहीं है ना एक ही है ना तो हमारा ऑक्यूपेशन क्या है विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी ये हमारा ऑक्यूपेशन है कोई भी हमारे से पूछेगा हे ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार आपका ऑक्यूपेशन क्या है तो क्या कहेंगे यही कहेंगे ना तो हमारा ऑक्यूपेशन अवतरित हुए है निराकार आत्मा और किस लिए अवतरित हुए है तो हमारा ऑक्यूपेशन ही है विश्व कल्याणकारी और जब विश्व कल्याणकारी हम कहते हैं अपने को है भी कहते नहीं है, है। तो विश्व कल्याणकारी जो विश्व का कल्याण करने वाला है कल्याण क्या करना है हमको परिवर्तन क्या करना है अपवित्र सृष्टि को पवित्र बनाना है कलयुग को सतयुग बनाना है यही हमारा ऑक्यूपेशन है तो नेचुरल है जब हमको ये स्मृति रहती है तो मैं अवतृत हुई आत्मा हूँ बाबा ने मुझे भेजा है इस कर्तव्य करने के लिए विश्व को परिवर्तन करने के लिए जब हमारा लक्ष्य विश्व को परिवर्तन करने का होता है तो नेचुरल है हमको इस ऑक्यूपेशन के साथ पहले स्व का परिवर्तन होगा तब विश्व का परिवर्तन होगा स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन कोई कर ही नहीं सकता है। विश्व की तो बात चोरो लेकिन एक कोई आत्मा का भी कल्याण नहीं कर सकती है क्यों प्रभाव पड़ता ही है परिवर्तन से इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे सेवा करते हैं तो हम खुश भी हो जाते हैं सब कहते हैं बहुत अच्छा ज्ञान ब्रह्मा कुमारियाँ जो ज्ञान देती है बहुत अच्छा और इनों की लाइफ भी जो है वो बहुत अच्छी अच्छा अच्छा कह के चले जाते है हमको खुश करके तो जाते हैं लेकिन खुद अच्छे नहीं बनते हैं, उसके लिए फिर बहाने बाजी करते हैं समय नहीं है ये नहीं है वो नहीं है वायुमंडल नहीं है फिर तो कहीं बहा नहीं है लेकिन अच्छा अच्छा कहके जाते हैं लेकिन स्वयं अच्छे नहीं बनते इसका कारण ही बाबा सुनाते हैं बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी तो आप एक समय पर एक सेवा करते हो करनी है एक समय पर तीन सेवा और आप करते हो एक समय पर एक सेवा या कोई दो करते होंगे तो एक सेवा क्या करते हैं जब याद में बैठते हैं तो बहुत आनंद वाह बाबा और मैं दूसरा न कोई योग में बैठते हैं तो योग की स्टेज बहुत अच्छी होती है लेकिन जब वाणी में आते हैं तो वाणी में कोर्स कराना तो ऐसा हमारा हो गया है जैसे एक कंठ में वो पक्का हो गया है कोर्स तो कोर्स तो ऐसे बोल लेते हैं जैसे कि एक हमारा कामन बात है तो वाणी से तो बोलते हैं लेकिन बाबा ने कहा वाणी के समय आपकी मनसा भी इतनी पावरफुल होनी चाहिए जो मनसा उनके मनसा को चेंज करे वाणी से हम बोलते हैं तो वाणी से बोलने के कारण मनसा इतनी पावरफुल नहीं होती है वाणी पावरफुल होती है तो वाणी पावरफुल होने के कारण उनकी भी वाणी में आता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा वाणी तक तो आए लेकिन मनसा कहाँ बदलती क्योंकि बाबा का जो महावाक्य है और कर्मना मनसा वाचा और कर्मना बाबा कहता है कि समन संपर्क में तो आते है ना जब भी कोई कोर्स कराते है तो समन संपर्क में तो आते है ना मानो दृष्टि देते है या उसको टोली खिलाते हैं या उसको बिठाते हैं उसको दिखाते हैं कुछ सेंटर समन संपर्क में तो आते हैं ना तो कर्मणा में भी हमारी वही ऊंची स्टेज रहे जैसे वाणी की तब बाबा कहता है कि आपको एक समय पर तीन सेवा कठी करनी चाहिए तब भी वो प्रभाव पड़ेगा तीनों रीति से मनसा से भी वाणी से भी और कर्मना यानी कोई भी कर्म में आएंगे समन संपर्क में आएंगे तो कर्मणा का कर्मणा में प्रभाव पड़ेगा तो हम लोग कभी क्या करते हैं वाणी में आ जाते हैं लेकिन जो दो सेवाएँ और है ना वो थोड़ी परसेंटेज में कम ऐसे नहीं भूले हुए तो नहीं होते हैं इतना तो अभ्यास हो गया है लेकिन परसेंटेज में वाणी की परसेंटेज ज़्यादा होती है और मनसा और कर्मना कर्म से समझो हम दृष्टि देते हैं ये भी तो आंख का कर्म है ना दृष्टि से भी उनको एकदम वो दृष्टि से सृष्टि बदल जाए तो ये भी तो समझ संपर्क में कर्मणा हो गई ना हमारी तो एक ही समय पर जब तक हमारी तीन सेवाएं नहीं हुई है तब तक हमारी जो रिजल्ट है क्योंकि हमारी बड़ी दादी जब भी बैठती है ना तो हम लोगों से जब भी बैठती है तो यही कहती है मुझे एक ही संकल्प है हम फरिश्ते कब बनेंगे कर्मातीत कब बनेंगे बाबा प्रत्यक्ष कब होंगा यही क्वेश्चन पूछती है दादी तो बाबा ने जो हम लोगों को लक्ष्य दिया है एक ही समय पर तीन सेवा करो वो मैं समझती हूँ परसेंटेज हमारी थोड़ी कम कम होती है. और ये परसेंटेज अगर हमारी एक जैसी हो जाए निराकारी स्टेज भी आ गई निर्विकारी भी हो गए नेचुरल है ना और निरंकारी तो ऑटोमेटिकली होंगे सेवा जब कर रहे हैं सेवादारी तो सेवादारी में तो निरंकारी होगी तो जो बाबा ने लास्ट में हम लोगों को महामंत्र के रीति से बाबा दिया साकार द्वारा अगर इन तीन शब्दों को भी हम प्रैक्टिकल लाइफ में लाए होता क्या है मैं ऐसे समझती हूँ तो अटेंशन रहता है लेकिन क्या है जब सेवा में या कोई काम में बिजी हो जाते हैं ना तो उस सेवा का प्रभाव या कर्मणा का प्रभाव जो है या उसमें हलचल में तो आना पड़ता है ना बातचीत कनेक्शन वगैरह सब उसमें तो होता ही है होना ही है तो उसमें क्या होता है अटेंशन उस तरफ ज़्यादा चला जाता है उन बातों में और जो मनसा हमको अपना बिल्कुल पावरफुल रखनी है वो कमी हो जाती तो ये हमको बैलेंस रखना पड़ेगा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में बैलेंस हो फिर हमारा बैलेंस अगर होगा ना तो बाबा कहते जहां बैलेंस है वहां ब्लेसिंग मेरी है ही क्योंकि अगर बाबा की ब्लेसिंग लेनी है जो भी हम सेवा करते हैं हम तो अपने पुरुषार्थ अनुसार जितनी अवस्था होती है उतना करते हैं लेकिन बाबा की हर कार्य में हमारे ब्लेसिंग भी हो उसके लिए फिर हमको ये तीन ही स्टेज का बैलेंस रखना पड़े। इस बैलेंस से ही हमको ब्लेसिंग मिलेंगी और ब्लेसिंग से तो क्या नहीं हो सकता दुनिया वाले तो कहते हैं भगवान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है वो तो कहते मुर्दे को जिंदा कर सकता है लेकिन हम समझते हैं कि जो मूर्छित हुए पड़े हैं, माया से भी तो मुर्दे हुए पड़े हैं, उनों को तो जिंदा कर ही सकते हैं ना। बाकी शरीर से अगर गया तो वो तो अलग चीज़ है तो इस बात पर हमको थोड़ा सा और अटेंशन देना चाहिए बाकी बातें जो है समस्याएं तो आएंगी और बाबा ने तो कह दिया है कि समस्याएं जो है ना वो आगे चल के बढ़ेंगी कम नहीं होनी है हम समझे थोड़ा हम आगे जाएंगे ना वैराग आ जाएंगा ये हलचल होंगी उसमें समस्याएं कम हो जाएंगी कम नहीं होंगी फिर दूसरे प्रकार से आएंगी जो अब भी आती है उस रूप की नहीं आके दूसरे रूप से आएंगी समस्या लास्ट तक पेपर होता है जब पिछाड़ी का साल होता है यानी साल का जो पिछाड़ी होती है तब भी फाइनल पेपर तो तभी होता है ऐसे थोड़े होता है सिर्फ तीन मास का होता है छः मास का होता है और लास्ट फाइनल पेपर नहीं होता है लास्ट पेपर तो हो नहीं तो समस्याएं तो आएंगी समस्याओं को तो ऐसे ही समझना चाहिए कि ये तो हमको पास करनी है बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि ये साइट सीन है ना आप मंजिल पर चल रही हो और आपको साइट सीन हो ही नहीं ये हो सकता है कहाँ से भी जाओ अच्छा हम यहाँ से वहाँ अपने पांडव भवन में जाते हैं रास्ता क्रॉस करते हैं इसमें साइट सीन नहीं आती है कहाँ गंदा पानी होता है कहाँ पहाड़ काला सा होता है कहाँ अच्छा होता है हरियाली होती है सब होगा ना यहाँ से आप अपने कमरे में जाओ तो भी साइट सीन होंगी कुछ तो होगा ना तो साइट सीन अगर हमको मंजिल पर पहुंचना है संपूर्ण बनना ही है बाप समान बनना ही है तो साइट सीन तो आएंगी और बाबा ने बहुत अच्छा शब्द दिया था आप तूफान को तूफान नहीं समझो तोहफा समझो गिफ्ट और सचमुच ऐसे है अगर हम उसी रीति से तूफान को तोहफा समझे तो बहुत मजा आएगा आपको क्यों कि जो भी समस्या आती है ना वो हमको कोई पाठ जरूर पढ़ा के जाती है आप देखो कोई आपकी गिला नहीं करता है ज्यादा में ज्यादा तो गिला नहीं का ही असर आता है हा? समझो कोई गिला नहीं करता है। बात हुई नहीं मैंने ठीक किया नहीं गलत लेकिन वो मेरे को पूरा ही गलत मान के और मेरे को वो निश्चय कराता है कि तुम गलत हो भाई मैं हूँ ही नहीं गलत और वो कहता है नहीं तुम हो ही गलत इस पर ही ज़्यादा समस्या आती है भाई ये झूठ क्यों बोलता है ये मिसअंडरस्टैंड क्यों करता है यही संगठन में थोड़ा बहुत आता है ज़्यादा में ज्यादा तो बाबा तो कहते हैं गिला नहीं जो करे उसको गले लगाओ कहाँ नहीं और कहाँ गले लगाओ हमने देखा था एक बारी बाबा की बात है प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा की साकार बाबा की तो कलकत्ता में एक अखबार निकलती है नाम मुझे भूल गया नाम विश्वामित्र विश्वामित्र अब नाम भी देखो कितना अच्छा है विश्वामित्र अखबार और उसमें क्या है बाबा जो साकार बाबा की पास्ट लाइफ है ना वो लिखा था कि साइकिल रिपेयर करने वाला था कहाँ बाबा ज्वेलर और लिख दिया साइकिल रिपेयर करता था या साइकिल का धंधा करता था तो हमारी निर्मल शांता दादी वहां रहती है कलकत्ता में तो उसने जब पढ़ा ना तो उसको बड़ा आया संकल्प तो ये क्या मैं तो बाबा की लौकिक लड़की हूं मैंने तो बाबा को देखा है तो बाबा को लिख के भेजा बाबा इस अखबार वाले के ऊपर तो मैं केस करूंगी केस करूँ तो बाबा ने उत्तर में क्या लिखा उसको बाबा ने लिखा बच्ची तुम ये तो सोचो बाबा जो है वो अपकारी पर भी उपकार करने वाला है और दूसरी बात तो मेरा बच्चा है वो भी तो बाप बच्चे पर केस कर सकता है ये ला है तो बाबा कभी नहीं कहेगा तो तुम इस पर केस करो निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई ये पत्र का उत्तर बाबा ने दिया और वो तो बिना डायरेक्शन के तो करेंगी नहीं उसने किया नहीं लेकिन ऐसी समस्या समझो हमारे पास आई जो मिसअंडरस्टैंड है और गालियाँ दे रही है गिलानी हमारी कर रही है यहाँ वहाँ फैला रही है ऐसे टाइम पर हम उससे भी सिक्ख्या ले ले में है तो स्टेज ऊँची ना हा? लेकिन उस समय चाहिए हमको सहन शक्ति अगर हमारे को ये है तो चलो मेरे सहन शक्ति का पेपर है ये गाली उसकी नहीं ध्यान में आवे मिसअंडरस्टेंड नहीं वो बात याद आएंगी तो थोड़ा जोश आएगा अंदर लेकिन ये समझे कि ये मेरे सहनशीलता का पेपर है ऐसे टाइम पर ही मुझे सहनशीलता काम में लानी है तो सहनशीलता का गुण याद करने से फर्क हो जाता है और बात हल्की हो जाएंगी बात तो है बड़ी लेकिन बड़ी को छोटे करने की विधि है कि हम ये समझे कि मेरे सहन शक्ति का पेपर है इस पेपर को मुझे पास करना है तो गिरना भी नहीं आएंगी दूसरे के प्रत और मेरी भी हलचल नहीं होंगी क्योंकि जब मिसअंडरस्टैंड समझते है ना तो जोश आता है कि मैं इसको सिद्ध तो करूं तो मैं रंग नहीं हूं चलो और कुछ नहीं करूं। लेकिन यह तो उसको साबित करूं कि मैं राइट हूं तुम तो रंग हो लेकिन रंग वाला कभी अपने को रंग नहीं समझता क्योंकि उस समय वो परवस होता है उसके तो इसीलिए बाबा ने कहा तूफान जो है ना उसको भी तोहफा समझो कितनी बड़ी बात है प्रैक्टिकल में तो बड़ी बात है ना कहने में तो मैं भी कह रही हूँ पर तो पर लेकिन जिस समय कोई पेपर आवे ऐसा उस समय याद आवे ये क्या थोड़ा सा जोश आ जाता है ना पीछे याद आता है बाबा ने तो कहा था ये मैंने क्या किया लेकिन वो तो गया ना दाग तो पड़ गया सफेद पेपर पर चीटा तो पड़ गया रहा भी आया तो वो मिटना बहुत मुश्किल है इसीलिए बाबा कहते हैं कि समस्याओं से घबराओ नहीं दादी जानकी ने भी कहा ना आठ शक्तियों में से भी मुख्य पहला नंबर शक्ति है सहन शक्ति जिसमें सहन शक्ति होगी ना वो उबाल में नहीं आएगा जैसे उबला आता है ना ये क्या ये ऐसे आता है ना वो नहीं होगा और सहन शक्ति से क्या है निर्णय अपना कर सकेंगे नहीं तो वो निर्णय भी ठीक नहीं होता है ना तो इसीलिए समस्याएं तो आनी और दूसरा क्या होता है जब हम ब्राह्मण परिवार में होते हैं ना मेजॉरिटी पेपर जो हम लोगों के आता है वो ये ही आता है कि इतना पक, इतने वर्षों वाला तो भी ऐसा करता है तो मैं तो क्या मैं तो कुछ नहीं कर सकता दिल शिकस्त हो जाती है ये भी ऐसे करता है ये भी ऐसे होता है ये ज्ञान में होता है क्या ये होना चाहिए क्या ये बहुत आता है जब सेवा में आते हैं ना तो संगठन होता है स्वभाव संस्कार तो हर एक के अलग अलग है ही और होंगे ही अलग अलग कहीं कहते है इसका स्वभाव अभी तक ऐसा क्यों है तो बाबा ने एक बारी मैं मिसाल बताती हूँ मिसाल तो याद रहते है ना भूलते नहीं है तो एक बारी क्या हुआ हम पाकिस्तान में रहते थे ना तो निर्मल शांता दादी जो थी उसकी ड्यूटी थी ये जो बसेस और कारें हैं ना उसकी रिपेयरिंग वहाँ भी होती थी बसेस और कारें रिपेयरिंग और नीचे नहीं झुक करके सफाई करते हैं मोबाइल वगैरह ड्रेस काली काली हो जाती है नीचे नहीं सो के करते हैं सफ़ा मशीनरी की तो वो उनके इंचार्ज थी करती नहीं थी कराती तो बहनों से थी लेकिन इंचार्ज उसके थी <laughs> तो <laughs> तो एक बारी क्या हुआ निर्मल शांता दादी ब्रह्मा बाबा को कहा क्योंकि बाबा के होते भी वैरायटी तो थी बाबा के आगे भी कोई महारथी कोई प्यादे कोई गोरे स्वार तीनों प्रकार के तो शुरू से ही थे बाबा के सामने भी थे तो जब बहुत थक गई थी ना ये काम ऐसा है जो थकावट का तो है ही तो थक के आई ना तो बाबा ने वो बहुत प्यार से बोला बच्चे तुम थक के आई हो तुमने बहुत सेवा की है तो उसको बहुत वो आ गया कहा बाबा हम लोगों को आपने काम दिया है और जो वो गोरे स्वार है वो तो आराम से सोए पड़े हैं और हमको आप कहते हो काम करो काम करो ये क्या आपने किया है वो थक के आई थी तो बाबा ने कहा बच्ची इसमें बहुत राज है तो बाबा इसमें क्या राज है वो सोए रहे और हम काम करते रहे तो तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची इसमें बहुत राज है क्या राज है बाबा ने कहा देखो ये जो अभी ज्ञान नहीं है ना ज्ञान और धारणा नहीं है भाई हिसाब किताब क्या बनता है हमारा ये ज्ञान नहीं है इसलिए आराम पसंद हो गई है लेकिन ये तुम्हारे जो है ना वो सस्ते नौकर बन रहे बाबा सस्ते नौकर कैसे बन रहे हैं तो बाबा ने कहा देखो ये एक जन्म जो है वो आराम कर रहे तुम काम कर रही हो और ये आराम कर रहे है और 21 जन्म ये सस्ते नौकर तुम्हारी सेवा करेंगे तो सस्ते नौकर हुए ना एक जन्म आराम किया और 21 जन्म सर्विस करेंगे तो सस्ता नहीं हुआ नौकर <laughs> बाबा ने कहा उसको बच्ची तुम सोचो नहीं ये तुम्हारे सस्ते नौकर बन रहे हैं कहा हाँ बाबा हमारे नौकरी करेंगे ये तो खुश हो गई <laughs> बाबा ने थकावट खत्म कर दी तो बाबा ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे जिससे एक दिल शिकस्त नहीं हो जाए उमंग उत्साह में आ जाए तो वो सेवा भी करेंगी तो उमंग उत्साह से करेंगी ना इसीलिए बाबा ने उसको यही कहा तो बच्ची तुम ख्याल नहीं करो हिसाब किताब है बना हुआ ये फिर 21 जन्म क्या करेंगे तुम्हारी सेवा करेंगे अभी आराम करने दो तो ऐसे करके बाबा उनको हंसा करके बात को चला लिया बात पूरी हो गई तो हमको भी ये संगठन में हम समझते हैं ये पता नहीं क्यों होता है ये क्या होता है लेकिन एक बारी बाबा ने मुरली में कहा था कि जैसे वैद्य लोग होते हैं ना तो वैद्य की जो दवाई होती है उसमें क्या होता है कि बीमारी जो है ना वो जाने के पहले निकलती बाहर निकल के फिर खत्म होती ऐसे ही आपने देखा होगा ये बल्ब जलता है ना जब जाने वाला होता है ना तो बहुत तेज़ हो जाता है हम खुश हो जाते हैं भाई हमारा बल्ब तो तेज़ हो गया लेकिन बेचारा जाता है तो जाने की निशानी कभी कभी बाहर निकल कर के भी जाती तो इसीलिए बाबा ने कहा था कि कई चल के कहते हैं आगे तो ऐसे नहीं होता था अब भी पता नहीं क्यों ये हो रहा है अच्छा ऐसे ये भी ऐसे ये भी ऐसे ये भी ऐसे ये भी होता है ये भी होता है इसी बातों में अपने को स्वचिंतन के बजाय परदर्शन में चले जाते यानी परदर्शन माना पर दूसरे को देखना परदर्शन परचिंतन परदर्शन और परमत तीन पर है जो नुकसान वाले है एक परमत क्लियर हुआ ना परदर्शन दूसरे को देखना और परचिंतन तो बाबा कहता है कि ये तीन पर जो है ना इसको काट दो एक पर रखो तीन को खत्म करो एक कौन सी रखो पर उपकार तो परमत परदर्शन और परचिंतन ये तीन खत्म करके एक पर याद रखो पर उपकार अगर पर उपकारी हम बन जाएंगे तो ये तीन पर जो तंग करती है ना विघन रूप बनती है वो हमारी खत्म हो जाए तो हम क्या चाहते हैं बाप समान बनने के लिए हमको ये तो सब छोड़ नहीं पड़ेगा और समस्या इन्हीं में आती है कभी पर चिंतन में चले जाते हैं कभी परमत कोई कहता है नहीं ये ऐसा नहीं है ऐसा है तुमको क्या पता तो ऐसे परमत में चले जाते हैं और पर चिंतन में परदर्शन में दूसरे को देखने लग जाते हैं लेकिन बाबा कहते हैं देखना है तो क्या बाबा का सलोगन है सी फादर सी मदर अगर देखना भी है तो फादर और मदर को देखो और अगर आपस में प्यार से चलना है एक दो को भी देखने चाहते हैं तो उनकी विशेषता देखो ऐसे भी नहीं परिवार से किनारे करना है वो भी राइट नहीं तो मूल बात है कि हमको अपने को देखना है बाबा को और अपने मूल बात है धोखा देने वाला जो है वो ये मन है। अगर हम मन को बिजी रखें ना तो कोई भी हमारे अंदर हलचल नहीं होंगी क्योंकि आजकल बाबा ने कहा है कि ज्यादा माया आती है एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा नेगेटिव तो संकल्प तो मन में ही है ना अगर हम मन को बिजी रखें मन के ऊपर पहला पूरा कंट्रोल हो तो फिर विघ्न आने की बात ही नहीं इसीलिए यही गायन भी है मन जीते जगत जीत मन है मूल और मन को बिजी रखने का हर एक अपनी अपनी दिनचर्या अनुसार मन को बिजी रख सकता है दूसरा कोई आपके मन का टाइम टेबल नहीं बना सकता है कर्म का टाइम टेबल दिनचर्या बनी हुई है भी हमारी और कोई विशेष समय पर बना भी सकते हैं। लेकिन मन की दिनचर्या, मन का टाइम टेबल जो है वो स्वयं ही बना सकते बाबा ने एक बारी कहा था कि देखो वीआईपी जो होते हैं ना उनका एक एक मिनट का प्रोग्राम सेट होता है इसके बाद ये होगा पांच मिनट ये दस मिनट ये पंद्रह मिनट ये तो आप तो भी वो तो वीआईपी है और आप तो भी वी 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 वीआईपी वी है जितना भी वी लगाओ तो हमारा भी तो टाइम टेबल ऐसा सेट होना चाहिए ना, और उसके लिए बाबा ने मन को बिजी रखने के लिए बहुत अच्छा साधन बताया है मनसा सेवा मनसा सेवा की ज़िम्मेवारी हमको याद रहे कई समझते मन सा सेवा करने के लिए शायद अलग योग में बैठना पड़ेगा लेकिन नहीं चलते फिरते भी मन सा सेवा कर सकते है क्यों आप सोचो कई काम आम हमारे ऐसे होते हैं जिसमें काम भी कर रहे हैं वो लेकिन मन हमारा चारों ओर चक्कर लगा के भी आ जाता है जैसे खाना बना रहे हैं मानो कपड़े धुलाई कर रहे हैं, अभी सारा टाइम कपड़े में ही ध्यान होता है या मन यही चक्कर लगा के आता है कई बार तो मन यहाँ वहां चक्कर लगाए उसके बदले में अगर हम मन सा सेवा करें, तो हमारी कमाई हो जाएंगी ना ऐसा कोई नहीं कह सकता है हमको मनसा सेवा के लिए टाइम नहीं मिलता है मनसा सेवा के लिए कोई बहाना नहीं है अभी तक टाइम की बात नहीं हम पहले भी सुनाया है कि बाबा ने कहा था कि अपना टाइम बॉक्स बनाओ बच्चे तो मनी बॉक्स बनाते हैं ना लेकिन आप अपना टाइम बॉक्स बनाओ और जितना भी समय मिले बीच बीच में मनसा सेवा का अभ्यास करो तो क्या होगा समझो पंद्रह मिनट आपने किया दस मिनट किया वो जमा करो और रात को आपके घंटे बन जाएंगे वो दस मिनट पाँच मिनट मिला के अगर हम टोटल करेंगे तो हमारे घंटे बन जाएंगे और जब घंटे बन जाएंगे हमको खुशी कितनी होगी भाई आज हमारे तीन घंटे मनसा सेवा हो गई दो घंटे हो गई और दो घंटे हुई तो दूसरे दिन उमंग आता है कि नहीं आज मैंने दो घंटे किया कल मैं तीन घंटे करूंगी मन में ऑटोमेटिकली उमंग आता है ये और मनसा सेवा से देखो बहुत फायदे है एक तो योग लगा ही रहता है नेचुरल है शक्ति लेकर के देना जो मिली है हमको शक्ति वो दूसरे को देना तो योग तो होगा ना बाबा से तभी तो दे सकेंगे योग भी हो जाता है सेवा भी हो जाती है विघ्न विनाशक भी हो जाते हैं क्योंकि बिजी है मन तो मन में ही तो आती है माया अगर आप बिजी है तो माया आएंगी क्या बाबा ने नहीं कहा वो कभी चूहा आ जाता है तो चूहा निकालने गए बिल्ली आ गई बिल्ली निकालने गए तो कुत्ता आ गया तो बिन बिन आती है ना तो वो सबसे छूट जाते हैं विघ्न विनाशक हो जाते तो अच्छी बात है ना एक ही समय पर अगर फायदे है हमारे सब योग धारणा तो ऑटोमेटिकली हो गई जब सेवा में हम दूसरे को शक्ति दे रहे हैं अपने में तो शक्ति होगी धारणा भी होगी सब्जेक्ट हमारी एक मनसा सेवा से हो जाती लेकिन इसके लिए अटेंशन अपने ऊपर रखना पड़ेगा टाइम को वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और ऐसे वेस्ट टाइम काफी चला जाता है अगर उस वेस्ट को हम बचा के मनसा सेवा में लगाएं तो हमारी स्थिति ऑटोमेटिकली बाप समान हो जाएंगी यानी विघिन विनाशक हो जाएंगे ना विघन विनाशक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा होता और सेवा करने से एक ये भी फायदा है कि दुआएं बहुत मिलती आपको अनुभव होगा कोई भी एक जिज्ञासु को आपने संदेश दिया इतना खुशी से आके कहेंगे दीदी जी दादी जी मैंने इसको संदेश दिया बहुत अच्छा जिज्ञासु है बाबा को समझ गया कितनी खुशी से आके सुनाते हैं सिर्फ एक को संदेश भी देके के आते हैं, तो भी खुशी होती है और ये तो आप उसको सुख का शांति का पवित्रता की अंचली देंगे देंगे ना देंगे तो रिटर्न तो मिलेगा ना आपको दुआएं मिलेंगी ना चाहे आपको पता नहीं है किसको मैंने दी मनसा सेवा में तो बेहद होता है ना लेकिन वो दुआएं मिलती जरूर है, तो इतने फायदे मनसा सेवा के है इसीलिए मनसा सेवा का चार्ट सभी को रखना चाहिए और बिजी मन को बिजी रखो इसमें बिजी होगा देखो आप जब बिजी कोई भी काम में होते हैं तो उस समय आपकी अवस्था नियम परमान अच्छे सेवा में लगे हुए हो या कोई भी कार्य में तो उसका दुआएं तो मिलती है और माया थोड़ी उस समय आती है अभी यहाँ आते हैं यहाँ का वायुमंडल है वायुमंडल से माया कम आती होंगी ना, कभी कोई को आ भी गई हो पता नहीं लेकिन वैसे तो यहाँ मधुबन में माया कम आती है ना कि नहीं कम आती है ना क्यों क्योंकि यहाँ अटेंशन अपने ऊपर ज्यादा है अटेंशन भी है और नेचुरल है वायुमंडल की भी मदद है अगर आ भी जाती है तो यहाँ देखो एक दो को देख करके कहेंगे क्यों क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ माया भी इसमें क्यों क्यों में आ जाती है तो माया खत्म भी हो जाती है दोनों ही होता है लेकिन वायुमंडल के प्रभाव में हमको वहाँ बाहर नहीं आना अच्छे वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है तो बुरे का भी पड़ता है लेकिन बुरे का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए बाबा हमको मिसाल देता था छोटा हल्का सा मिसाल देता था कि मटका होता है ना पानी का मटका होता है मिट्टी का उसमें तेल लगा दो और ऊपर से पानी डालो तो एक बूंद भी उसमें टिकेंगी चिकना हो गया ना तो पानी की बूंद नहीं रहेगी तो बाबा कहता था तुम भी वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हो वायुमंडल के प्रभाव में आने वाले नहीं हो हमारा टाइटल ही है विश्व परिवर्तक तो विश्व को परिवर्तन करने वाले फिर प्रभाव में कैसे आ सकते हैं वायुमंडल के क्योंकि कई कहते हैं मेरी अवस्था तो बहुत अच्छी रहती है लेकिन वायुमंडल बहुत ऐसे थोड़ा वायुमंडल का असर आ जाता है लेकिन वायुमंडल का असर हमारे ऊपर नहीं आ सकता उस समय याद करो मेरा ऑक्यूपेशन क्या है विश्व परिवर्तन करने वाली हूँ मैं या विश्व के वायुमंडल में आने वाली हूं अगर कोई टीबी का डॉक्टर हो और टीबी पेशेंट की सेवा करते करते टीबी उसको भी लग जाए तो क्या कहेंगे कहेंगे डॉक्टर है क्या है विश्व परिवर्तक है तो विश्व के खराब वायुमंडल का असर हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए हम तो परिवर्तक हैं। ठीक है ना तो बाप समान बनने के लिए तीन शब्द रिवाइज करना बाबा के लास्ट मुरली के तो हम बाप समान बन के बाबा को दिखाएंगे ठीक है ओके okay? ओके okay. ठीक ओम शांति